हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। हमारा नाम ऋतिक और आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस टाइप से हम अपने ओप्पो के डिवाइस में एंड्रॉयड 10 के फीचर को किस टाइप से इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग ओप्पो का डिवाइस यूज़ कर रहे हैं एंड ओप्पो के बहुत कम डिवाइसेस या फिर बोले तो एक भी डिवाइस में आप लोग को एंड्रॉयड 10 देखने को नहीं मिलता है। और जो हम आज आप लोग को फीचर्स के बारे में बताएंगे, जो कि पॉपुलर फीचर्स रहेंगे एंड्रॉयड 10 के, किस टाइप से आप लोग अपने ओप्पो के डिवाइस में इंस्टॉल करेंगे, सब हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड गाइस, जो मैं आप लोग को फीचर्स बता रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिला है। एंड मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँ कि आप लोग एक ना एक बार इन फीचर्स को इंस्टॉल करके जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग के फ़ोन का जो लुक रहता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखता है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पे लगता है, जिसके कारण आप लोग का और ज़्यादा मन करेगा फ़ोन चलाने में, फ़ोन यूज़ करने में। तो किस टाइप से इन फीचर्स को आप लोग इंस्टॉल करेंगे अपने ओप्पो के डिवाइस में, सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो गाइज़, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, गाइज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना पे कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो गाइज़, अभी हमारा फ़ोन डिफॉल्ट में रन कर रहा है, यहाँ पे ऐसे कोई फीचर्स नहीं रहते जो कि अट्रैक्टिव दिखे। तो गाइज़, इसके लिए आप लोग को एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन को आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर ढूंढने की गलती न करें, बहुत मुश्किल से आप लोग को एप्लीकेशन मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इंस्टॉल जरूर करिएगा। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग डाउनलोड जरूर करिएगा इस एप्लीकेशन को। जैसे मैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर देगा, सबसे पहले आप लोग स्टेप फॉलो कर लीजिएगा किस टाइप से इसे इनेबल करते। तो वैसे आप लोग को दो प्रकार के आप लोग को साइड बार देखने को मिलते हैं। फर्स्ट में आप लोग को दिख रहा है तीन बार तीन पैनल वाला, और सेकंड में आप लोग को वन पैनल वाला। तो हम आप लोग को थर्ड तीन पैनल वाला दिखा दें, इस पर हम इनेबल कर देते, जो कि हमने इसे कस्टमाइज़ नहीं किया है, सिर्फ आप लोग को फॉर एग्जांपल बताते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे इनेबल कर दिया। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इस तीन ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, नोटिफिकेशन, अबाउट का, कॉन्टैक्ट का। तो अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ किस टाइप से आप लोग इसे कस्टमाइज़ करेंगे। ओके फ्रेंड, इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। गाइस, आप लोग को सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे, और ऐड फेवरेट एप्लीकेशन, जो भी आप लोग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं अधिकतर, वो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ऐड फेवरेट कॉन्टैक्ट वगैरह सेट कर लीजिएगा, बैकग्राउंड वगैरह अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, ऐप बैकग्राउंड आइकॉन से। तो गाइस, कस्टमाइजेशन के सिस्टम है, इसलिए मैं आप लोग को ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बताऊँ, क्योंकि आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लीजिएगा। एंड गाइस, आप लोग को मैं सेकंड पैनल की बात करेगा, इस तो इसे भी आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं सेटिंग में जाके। आप लोग को दो प्रकार के पैनल मिलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है गाइस, और आप लोग यूज़ करिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस, फ़ोन का सेटअप जो रहता है काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एप्लीकेशन लिंक आप लोग को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद है, कि वीडियो पसंद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो वीडियो का कमेंट करना बोले उस वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देंगे जय माता दी।